हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं, IBPS PO की परीक्षा, PT की परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है। IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर अर्थात IBPS SO की PT की परीक्षा और मेंस की परीक्षा होनी है। हम लोग इस बात से अवगत है कि IBPS SO PT की परीक्षा जो होने वाली है, जो तारीख निर्धारित की गई है, वह 9 नवंबर को, और मेंस की जो परीक्षा होने वाली है वह 14 दिसंबर को। हम लोग यदि समय अंतराल निकालते हैं तो हम लोग वह पाते हैं एक महीना चंद दिन ही दोनों के बीच में समय है, समय काफ़ी कम है। इसलिए तैयारी इस तरह से करना चाहिए ताकि PT और मेंस दोनों की तैयारी हो जाए। एक बात और भी हम लोग जानते हैं कि PT की जो परीक्षा होती है वह क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आप बहुत ज़्यादा अंक ले आते हैं तो फर्क पड़ता नहीं है, आप इतना ही अंक लाते हैं जिससे कि आप मेन की परीक्षा में बैठ सकते हैं तो काफ़ी है। आपको PT के लिए इतना अंक के लिए खुद को तैयार ज़रूर कर लेना चाहिए कि आप PT क्वालिफाई कर जाएं और मेंस में आप बैठ सके। मेंस ही एक वह एक गेम चेंजर है। मेंस में जितना ज़्यादा आप स्कोर लाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ तक कि इंटरव्यू से भी ज़्यादा वेटेज आपका मेंस का है। इसलिए जो भी कैंडिडेट मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं उनका चांस बढ़ जाता है कि वह अंतिम रूप से चयनित हो सके। फ्रेंड, हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में मेंस की परीक्षा किस तरह से, इसके लिए स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग एक अनुवाद पर आधारित अनुच्छेद भी लेंगे और उसका हम लोग ऑनलाइन लाइव सेशन में हम लोग उसका अनुवाद करके देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेंस की परीक्षा जो होती है हमारी, उस परीक्षा में हम लोग देखते हैं कि कितनी उसमें खंड होते हैं। हम लोग मेंस का पेपर यहाँ देख रहे हैं। मेंस के पेपर में दो खंड हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ाम में। पहला जो खंड होगा वह ऑब्जेक्टिव बेस्ड अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित होंगे, 45 अंक के होंगे, और उन 45 अंकों में किस तरह के प्रश्न रहेंगे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। राजभाषा अधिनियम से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ट्रांसलेशन, वन लाइनर ट्रांसलेशन पर आधारित प्रश्न रहेंगे, और जो ट्रांसलेशन रहेंगे वे अद्यतन आंकड़ों, अद्यतन तथ्यों, बैंकिंग उद्योग पर आधारित, आर्थिक जगत से संबंधित वहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे, और इसमें पारिभाषिक शब्द भी हम लोग देखेंगे जिसमें कि हम लोग हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी पारिभाषिक शब्दों को करने के लिए वहाँ पर प्रश्न दिखाई देंगे। इसके बाद कुछ कॉमन एरर्स भी रह सकते हैं, कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हिंदी अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न रह सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पर प्रश्न रह सकते हैं, और इस तरह से 45 अंकों का जो प्रोफेशनल स्किल पर जो टेस्ट होने वाले होंगे वो 45 अंकों के होंगे, और 45 से इसमें प्रश्न हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जो प्रमुख जो चीज़ है वे कहा जाए तो जो गेम चेंजर इस पेपर मेन के एग्ज़ाम में, मेन पेपर में जो रहने वाला है वह है कि आपके पास कितना दक्षता है ट्रांसलेशन करने की, कितना आप पारिभाषिक शब्दों के प्रति ज्ञान रखते हैं हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, कितना आप जल्द कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैटर करता है, समय आपके पास उतना भी वहाँ नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने होंगे, इसलिए इसके लिए ट्रिक्स काफ़ी आवश्यक होता है। ओके, ये हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन जिसमें 45 अंक के रहने वाले प्रश्न पत्र आपको प्राप्त होंगे, और इसके बाद जो दूसरा खंड रहने वाला है वह है डिस्क्रिप्टिव प्रोफेशनल स्किल पर आधारित। इसमें आपको दो अनुच्छेद प्राप्त होंगे। विवरणात्मक परीक्षा यह होगी जिसमें हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी के लिए दो अनुच्छेद आपको प्राप्त होंगे, 15 अंक के रहने वाले हैं। मान करके चलिए कि 7.5-7.5 अंकों का वह परीक्षा होने वाला है, और जो अनुच्छेद रहने वाला है वह बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित रह सकता है या कोई भी अद्यतन तथ्य, अद्यतन समाचार पर आधारित आपको प्रश्न पत्र वहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं।
अब फ्रेंड ऐसा करते हैं कि एक हम लोग मॉक को लेकर के चलते हैं जो कि 15 अंक पर आधारित मॉक होने वाला है। इस मॉक में देखते हैं कि किस तरह का अनुच्छेद हमें प्राप्त होने वाला है। फ्रेंड हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक अनुच्छेद है जिसे हमें हिंदी में अनुवाद करना है, टाइप करके हिंदी में अनुवाद करना है। दूसरा अनुच्छेद हम लोग देखते हैं, दूसरा अनुच्छेद यहाँ पर क्या है, हिंदी में है और इसका हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो चलते हैं इसी पैसेज का हम लोग अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं। देखिएगा टाइमर ऑलरेडी लगा हुआ है और टाइम के भीतर ही हमें अनुवाद भी कर लेना है। हालांकि मैं तो आप लोगों को थोड़ा समझाने में बताने में लगा हुआ रहूँगा, हो सकता है कि हम लोग पूरा जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद का हम लोग पूरी तरह से अनुवाद ना कर सकें। बस एक प्रारूप है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अभ्यास किस तरह से करेंगे ताकि आप एक होलिस्टिक तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकें और अंतिम रूप से चयनित भी हो सकें। फ्रेंड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि है क्या जो पैसेज है, इसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे अच्छी तरह से नहीं, एक हम लोग कर्सरी लुक डाल लेंगे, एक विहंगम दृष्टि इस पर डालेंगे और जानेंगे कि इस पैसेज में आखिर कौन कौन सी बातें की गई है, इसमें किस तरह के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिएगा लचीला मुद्रास्फीति लचीकरण ढांचे को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क कह सकते हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग फिजिकल चीज़ों के लिए करते हैं, भौतिक चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन ढांचा के लिए हम लोग फ्रेमवर्क शब्द का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर क्या है, लचीला के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और मुद्रास्फीति के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके लिए तो हम लोग इन्फ्लेशन शब्द का प्रयोग करेंगे और लचीकरण के लिए हम लोग टारगेटिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। देखिएगा कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप सेंटेंस को कैसे तोड़ते हैं, अलग अलग इकाइयों में तोड़िए। कौन कौन सी इकाई आपकी हो सकती है, वो इकाई हो सकती है आपके सब्जेक्ट होंगे, आपके वर्ब होंगे, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट होंगे या अदर वर्ड्स में आपके एडवर्ब्स अलग अलग तरह के आ जाते हैं। इसलिए अलग अलग इकाइयों में पहले तोड़ करके देखिए और कैसे तोड़िएगा, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको कि आप एक फोकल पॉइंट मान करके आप अन्य तरह के पदों की पहचान कर सकते हैं, अन्य तरह के जितने भी कंपोनेंट्स प्रयुक्त हुए हैं दिए गए वाक्य में उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो ध्यान रखें कि सब वर्ब कौन है। देखिए पढ़िए फिर से, लचीला मुद्रास्फीति लचीकरण ढांचे को 2016 में शुरू किए जाने के बाद से 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। किस चीज़ का पूरा हो चुका है, शुरू होने में पूरा हो चुका है ना, कौन शुरू हुआ है, प्रश्न करिए कौन शुरू हुआ है, शुरू हो चुका है तो जवाब आएगा। देखिए जवाब क्या आ रहा है, कौन शुरू हो चुका है, लचीला मुद्रास्फीति लचीकरण ढांचा 2016 में शुरू हो चुका है, है ना। और उसके कितना 8 वर्ष हो चुके हैं उसके शुरू होने में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा आ रहा है वह सब्जेक्ट हमारा लचीला मुद्रास्फीति लचीकरण ढांचा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसी को सब्जेक्ट मान करके चलेंगे, दी फ्लेक्सिबल, यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी अंग्रेजी निकाल लिया था, दी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग और FIT है उसे हम लोग उसी तरह से लिप्यंतरण कर देंगे। इसके बाद ढांचे के लिए हम लोग फ्रेमवर्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चूँकि सेंटेंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग रखेंगे। फ्रेमवर्क हैज़ कम्प्लीटेड, पूरा कर चुका है ना, पूरे हो चुके हैं तो हैज़ कम्प्लीटेड हम लोग लिखेंगे, हैज़ कम्प्लीटेड, कितना कम्प्लीट किया है, 8 साल कम्प्लीट किया है ना, तो इसलिए 8 ईयर्स सिंस, कब से, 2016 में शुरू किए जाने के बाद से, सिंस इट्स इंट्रोडक्शन, यह शुरू किया गया था ना, तो शुरू करने के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग स्टार्ट का प्रयोग करेंगे, सिंस इट्स स्टार्ट,
ओके सिंस इट्स स्टार्ट इन 2016। तो पहला वाक्य का यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसलेशन कर लिया है। दूसरा वाक्य क्या है, यह भारत में 21वीं सदी का एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है। यह भारत में 21वीं सदी का प्रमुख संरचनात्मक सुधार है, सुधार है इसे हम लोग पकड़ेंगे और इससे प्रश्न करेंगे कौन सी चीज का सुधार है। तो यह है सुधार, है ना। तो यह सुधार है, किस तरह का सुधार है, भारत में 21वीं सदी का एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है। तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इज अ सुधार है, दिस इज अ मेजर, प्रमुख के लिए हम लोग मेजर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ मेजर संरचनात्मक सुधार है, संरचनात्मक के लिए हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते हैं। जैसे 1990-91 में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुआ था, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बूम आया था, ठीक है। दिस इज अ मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भारत में 21वीं सदी का रिफॉर्म्स ऑफ 21st सेंचुरी इन इंडिया। ओके अ कह रहा है तो देखिए रिफॉर्म ऑफ 21st सेंचुरी इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। ये हो गया हम लोगों का दूसरे वाक्य का अनुवाद। तीसरा वाक्य क्या है, यह निर्णय लेने के लिए समिति के दृष्टिकोण नीति, समिति के दृष्टिकोण नीति निर्माण प्रक्रिया और संचार की पारदर्शिता मात्रात्मक रूप से परिभाषित मुद्रास्फीति लक्ष्य पर निर्भर जवाबदेही और परिचालनगत स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। देखिए यहाँ पर वर्ब कौन है, जाना जाता है कौन, सब्जेक्ट को तो आपको रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अंग्रेजी का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट को पहले रखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग वर्ब को रखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग अदर वर्ड्स को रखेंगे। तो सब्जेक्ट को तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा और सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप क्रिया से वर्ब से आप प्रश्न करें। और यहाँ पर वर्ब कौन है, जाना जाता है और यह पैसिव वॉइस में है, ठीक है। अब इससे प्रश्न करिए कि कौन जाना जाता है, तो यह जाना जाता है, है ना। देखिए यह जाना जाता है तो यह के लिए दिस का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। यह जाना जाता है किस लिए, निर्णय लेने के लिए जाना जाता है, इट इज़ नोन फॉर टेकिंग डिसीजन, ये हो गया डिसीजन। अब समिति के दृष्टिकोण नीति निर्माण प्रक्रिया के लिए, है ना, इट इज़ नोन फॉर टेकिंग डिसीजन फॉर समिति दृष्टिकोण, फॉर कमिटी अप्रोच, दृष्टिकोण के लिए हम लोग अप्रोच शब्द का प्रयोग करेंगे, फॉर कमिटी अप्रोच। और नीति निर्माण प्रक्रिया, नीति निर्माण पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर या पॉलिसी मेकिंग ही सिर्फ करेंगे तो उसमें प्रक्रिया भी आ जाता है, है ना। कमिटी अप्रोच, अप्रोच ऑफ अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग ऐसे लगाएंगे। और संचार की पारदर्शिता, पारदर्शिता के लिए हम लोग ट्रांसपेरेंसी ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद कॉमा देकर के आगे क्या बढ़ेंगे, मात्रा, ये सब सारे पारिभाषिक शब्द है, ये सब नहीं जानिएगा तो काफ़ी समस्या उत्पन्न करेगी। मात्रात्मक रूप से परिभाषित मुद्रा स्फीति लक्ष्य पर निर्भर जवाबदेही और परिचालनगत स्वतंत्रता, और परिचालनगत स्वतंत्रता एंड इंडिपेंडेंस ऑफ क्या, यहाँ पर पीछे से लेकर के चलेंगे, अकाउंटेबिलिटी बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिवली, ये देखिए लक्ष्य पर मुद्रास्फीति, यहाँ पर मात्रात्मक रूप से, ये तो एडवर्ब में जाएगा, क्वांटिटेटिवली डिफाइंड इन्फ्लेशनरी टारगेट, ये हम लोगों का पारिभाषिक शब्द हो गए अंग्रेजी में, ठीक है। और परिचालनगत स्वतंत्रता के लिए हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, परिचालनगत को हम लोग कहेंगे ऑपरेशनल, और स्वतंत्रता मतलब हम लोग सीधा सीधे फ्रीडम कहेंगे या इंडिपेंडेंस कहेंगे। तो चलते हैं, इतना हम लोग काम कर लेने के बाद ट्रांसलेशन करते हैं।
ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, दिस जाना जाता है, कौन जाना जाता है, तो यह जाना जाता है, देखिए यहाँ पर है ना, यह जाना जाता है, तो वही लिख देंगे हम लोग, इट इज़ या दिस इज नोन फॉर किसके किसके लिए ने जाना जाता है, दिस इज नोन फॉर द डिसीजन, निर्णय लेने के लिए हम लोग इसका ट्रांसलेशन कर लिए हुए थे, डिसीजन ऑफ इट्स अ कमिटी है ना, दिस इज नोन फॉर द डिसीजन ऑफ इट्स अ कमिटी अप्रोच के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ तक हो गया, इसके बाद फिर क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन एक तो इधर हो गया, इसके बाद फिर संचार की पारदर्शिता तक तो हो गया, मात्रात्मक रूप से पारिभाषित मुद्रा स्फीति लक्ष्य पर निर्भर जवाबदेही के लिए हम लोग अकाउंटेबिलिटी शब्द का प्रयोग करेंगे, अकाउंटेबिलिटी बेस्ड ऑन पर निर्भर कह रहा है, किस पर निर्भर करना, मात्रात्मक रूप से पारिभाषित मुद्रा स्फीति लक्ष्य पर, बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिवली मात्रात्मक रूप से हो गया, परिभाषित क्वांटिटेटिवली डिफाइंड परिभाषित मुद्रा स्फीति लक्ष्य है ना, तो डिफाइंड इन्फ्लेशनरी टारगेट ठीक है, इन्फ्लेशनरी टारगेट एंड ऑपरेशनल फ्रीडम भी आप दे सकते हैं, ऑपरेशनल फ्रीडम। तो ये हो गया यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं, पिछले कुछ वर्षों में यह ढांचा, मतलब यह फ्रेमवर्क है ना, पिछले कुछ वर्षों में ओवर द ईयर्स या ऐसे हम लोग पिछले कुछ वर्षों के लिए ट्रांसलेशन हम लोग यही कर सकते हैं कि ओवर द ईयर्स दिस फ्रेमवर्क, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख ही डालते हैं, ओवर द ईयर्स दिस फ्रेमवर्क। अब देखते हैं इसका टेंस क्या है, पिछले कुछ वर्षों में यह ढांचा विभिन्न ब्याज दरों पर दर चक्रों और मौद्रिक नीति रुखों के अनुरूप परिपक्व हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हैज मैच्योर्ड हम लोग लगाएंगे, है ना, ओवर द ईयर दिस फ्रेमवर्क हैज मैच्योर्ड, वर्ब फॉर्म हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर परिपक्व होने के लिए शब्द देना है, तो हैज मैच्योर्ड ओवर द ईयर्स दिस फ्रेमवर्क हैज मैच्योर्ड, किस चीज़ में इसको मैच्योरिटी प्राप्त हुआ है, है ना, हैज मैच्योर्ड अक्रॉस, किस में अक्रॉस डिफरेंट या वेरियस, अक्रॉस वेरियस इंटरेस्ट विभिन्न ब्याज दर चक्रों, इंटरेस्ट रेट साइकिल, ठीक है, अक्रॉस वेरियस इंटरेस्ट रेट साइकिल्स, यहाँ पर रेट साइकिल लगाइए, रेट्स साइकिल, एंड फिर आगे क्या है, मौद्रिक नीति रुखों, रुख को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्शंस, ओके, इंटरेस्ट रेट एंड साइकिल एंड मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्शंस, ठीक है, तो ये इसका बन गया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पारिभाषिक शब्द के प्रति समुचित ज्ञान कितना रखते हैं, है ना, समुचित ज्ञान का रखना बहुत ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं, जब मैं पीछे देखता हूँ, when I look back, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आई कैन अफर्म कह सकते हैं, आई कैन असर्ट कह सकते हैं, है ना,
तो या थोड़ा शब्द को लेकर के चलते हैं, थोड़ा शाब्दिक अनुवाद पर ध्यान देते हैं जो गलत ना हो, भाव में किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्शन ना आवे, इसके लिए आप ये चीज़ जरूर कह सकते हैं, आई कैन से विथ कॉन्फिडेंस दैट FIT, सब्जेक्ट तो हमारा FIT ही आने वाला है, FIT ने पिछले कई वर्षों में हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, दैट FIT हैज़ काम किया है, मतलब सेवा दिया है, हैज़ सर्व्ड अस वेल, अच्छा काम किया, हैव सर्व्ड अस वेल ओवर द ईयर्स कुछ वर्षों में अच्छा काम किया है, ओके अच्छा काम किया है और अपनी योग्यता साबित की है, एंड प्रूव्ड इट्स मेटल का प्रयोग करिए, या आप प्रयोग कर सकते हैं एफिशिएंसी का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेटल शब्द का प्रयोग किया है। आगे देख लेते हैं, इसने COVID-19 से पहले की अवधि के दौरान मूल्य स्थिरता का जुगलाया, ठीक है, जुगलाया है भी कह सकते हैं, इसने तो हो गया दिस, या इट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, यह लाया है या लाया, दिस ब्रॉट अबाउट, लाया के लिए हम लोग ब्रॉट अबाउट शब्द का प्रयोग करेंगे, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में, दिस ब्रॉट अबाउट, क्या लाया यह, है ना, इसने COVID-19 से पहले की अवधि के दौरान मूल्य स्थिरता का युग लाया, है ना, दिस ब्रॉट अबाउट कंसिस्टेंसी इन प्राइसेस, प्राइस कंसिस्टेंसी हम लोग ऐसा कह सकते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी कह सकते हैं, दिस ब्रॉट अबाउट प्राइस स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी, ठीक है, यहाँ पर ऑब्लिक शब्द वहाँ पर लेगा भी नहीं, बहुत सारे सिंबल्स आपको वहाँ जो रियल एग्ज़ाम जो होगी आपकी जो जेन्युइन एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत सारे जो सिंबल्स यहाँ पर ऑब्लिक वगैरह वो सब नहीं लेगा, इसलिए ध्यान रखिए। आगे देखिए, दिस ब्रॉट अबाउट प्राइस स्टेबिलिटी इन द, कब आया, इन द प्री COVID-19 पैंडमिक, यहाँ पर क्या है, फिर से हम लोग देख लेते हैं, COVID-19 से पहले, यहाँ पर पैंडमिक नहीं कह रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधी अवधि कह रहा है, तो इसलिए हम लोग पीरियड शब्द का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो पीरियड। अब आगे देखते हैं कि क्या है, कि मुल्क स्थिरता का युग लाया जिससे मुद्रास्फीति औसतन 4% की लक्ष्य दर के आसपास रही, है ना, ओविंग टू विच कौन रही आसपास रही, कौन आसपास रही, प्रश्न करिए तो वो सब्जेक्ट निकल करके आएगा, जिससे के लिए हमने लगाया ओविंग टू विच, मुद्रा स्फीति, ओविंग टू विच द इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन उस समय का खास है, इसलिए हम लोग इन्फ्लेशन के पहले दी लगा रहे हैं, ठीक है, टू विच द इन्फ्लेशन रही, तो यहाँ पर हम लोग रिमेंड का प्रयोग करेंगे, है ना, रिमेंड बिटवीन, इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, या रिमेंड आसपास रही, रिमेंड बिटवीन क्या है, औसतन, रिमेंड बिटवीन इस मुद्रास्फीति औसतन 4% की लक्ष्य दर, है ना, रिमेंड बिटवीन द टारगेट रेट ऑफ अराउंड 4%, है ना, पिछले प्रतिशत 4%, ठीक है, 4 है तो आप अंक में ही लिखिए 4%, है ना, 4% लक्ष्य दर के आसपास रहे, टारगेट रेट ऑफ अराउंड 4%, इस तरह से इसका हम लोगों ने अनुवाद किया। इसके बाद पिछले 4 वर्षों में कई स्रोतों से जारी वैश्विक उथल पुथल के बावजूद FIT ढांचे में निहित लचीलेपन ने हमें संवृद्धि का समर्थन करते हुए इन अभूतपूर्व चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में मदद की है। देखिए फिर वर्ब को लेकर सेंटेंस लंबा है, कन्फ्यूजन हो सकती है, डर का भाव यहाँ उत्पन्न हो सकता है,
तो यहाँ पर सीधा सीधी करिए क्या कि वर्ब को पकड़िए, मदद समाधान करने में, प्रभावी ढंग से समाधान करने में मदद की है, प्रभावी ढंग से समाधान करने में मदद की है, कौन मदद की है प्रश्न करिए, पढ़िए पूरे सेंटेंस को। इसके बाद पिछले चार वर्षों में कई स्रोतों से जारी वैश्विक उथल पुथल के बावजूद FIT ढांचे में निहित लचीलेपन ने यह हमारा सब्जेक्ट इतना बड़ा निकल करके आ रहा है, तब क्या करेंगे, तब फ्लेक्सिबिलिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब चलते हैं हम लोग उसका अब अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद मतलब देयर आफ्टर के बाद हम लोग अब सब्जेक्ट क्या लगाए थे कि इसके बाद पिछले चार वर्षों के कई स्रोतों से जारी वैश्विक उथल पुथल के बावजूद, तो डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, देयर आफ्टर डेस्पाइट टर्मोइल्स, क्योंकि ये एडवर्ब है इसलिए एडवर्ब को आप लास्ट में भी रख सकते हैं, पहले भी रख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बोर प्लीज मत होइएगा, आप एक एक चीज़ को मैं लाइव बता रहा हूँ, लाइव कैसे आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोगों का काफ़ी तेज़ी से समय हम लोग देख रहे हैं गुजर रहा है, लेकिन आशा करते हैं कि हम लोग टाइम रहते हुए हम लोग इसका ट्रांसलेशन कर बैठेंगे। देयरफॉर डिस्पाइट कंटिन्यूअस ग्लोबल, देखिए वैश्विक उथल पुथल के बावजूद, डिस्पाइट जारी कंटिन्यूअस ग्लोबल टर्मोइल, है ना, ग्लोबल टर्मोइल ये वाला लिख देंगे, पीछे से लेकर के चलेंगे, है ना, यूनिट्स को आइडेंटिफाई करके, देयर आफ्टर डिस्पाइट कंटिन्यूअस ग्लोबल टर्मोइल, उथल पुथल के लिए हम लोग टर्मोइल शब्द का प्रयोग किए हैं। टर्मोइल, अब कहाँ से टर्मोइल प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, टर्मोइल कई स्रोतों से जारी है ना, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस पिछले चार वर्षों में, है ना, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इन द लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है, इन द लास्ट 4 ईयर्स, ये हो गया हम लोगों का एडवर्ब का यहाँ पर काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन क्लॉज है हमारा, मेन जो पार्ट है सेंटेंस का, उस पर अब हम लोग ध्यान देते हैं। अब FIT ढांचे में क्या हो गया, FIT ढांचे में निहित लचीलेपन ने, हम लोगों ने जो सब्जेक्ट निकाला है कि ये निहित FIT ढांचे में निहित लचीलेपन, यही तो हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए इसी को ही सबसे पहले हम लोग रखेंगे, तब कॉमा दे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, द फ्लेक्सिबिलिटी इनहेरेंट, निहित का मतलब इनहेरेंट हो गया ना, इनहेरेंट विथ द FIT फ्रेमवर्क, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्लियर हो गया, ओके। अब ये क्या किया है सब्जेक्ट का, इसका वर्ब हम लोगों ने कौन सा पकड़ा था, है ना, उस वर्ब को अब रखना है, सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो FIT ढांचे में निहित लचीलेपन ने, यहाँ तक हो गया। अब है कि समर्थन करते हुए इन अभूतपूर्व चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में मदद की है, तो मदद की है तो हैज हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है, तो हैज हेल्प अस, किस में मदद की है, कि किस कार्य को करने में मदद की है, हेल्प अस टू इफेक्टिवली, देखिए अभूतपूर्व चुनौतियों का प्रभावी ढंग से, टू इफेक्टिवली यहाँ पर चुनौतियों को समाधान करने में, समाधान करना है हम लोगों को, तो इफेक्टिवली एड्रेस का प्रयोग कर सकते, समाधान करने के लिए हम लोग एड्रेस शब्द का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, इफेक्टिवली एड्रेस
दीज अभूतपूर्व के लिए हम लोग कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? अनप्रीसीडेंटेड चैलेंजेस, चुनौतियां हैं इसीलिए चैलेंजेस। अब हमें समृद्धि का समर्थन करते हुए वाइल सपोर्टिंग किसका? ग्रोथ का। तो देखते हैं इस लंबे से सेंटेंस का हम लोगों ने किस तरह से अनुवाद यहाँ पर किया है। आगे देखते हैं, भारत में मौद्रिक नीति COVID-19 महामारी के दौरान आर्थिक मंदी का निर्णायक और तेजी से जवाब देने में सक्षम थी। जवाब देने में सक्षम थी कौन? भारत में मौद्रिक नीति COVID-19 महामारी के दौरान आर्थिक मंदी का निर्णायक और तेजी से जवाब देने में। तो भारत में मौद्रिक नीति यह होगा ना, यह सब्जेक्ट हो गया। तब क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट को शुरू में हम लोग लिखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। यहाँ पर चूंकि खास उस समय की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कहा जा रहा है तो हम लोग दी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया वॉज एबल टू रेस्पॉन्ड, जवाब देने में तो है ना, रेस्पॉन्ड टू द इकोनॉमिक स्लोडाउन, है ना, मंदी का निर्णायक और तेजी से जवाब देने में स्लोडाउन या आर्थिक मंदी के लिए हम लोगों ने स्लोडाउन का प्रयोग किया है। रिस्पॉन्ड टू द इकोनॉमिक स्लो डाउन डिसाइसिवली, निर्णायक रूप से, डिसाइसिवली एंड स्विफ्टली, तेजी से, स्विफ्टली, कब? COVID-19 महामारी के बाद, इन द वेक ऑफ, एक हम लोग यहाँ पर फ्रेज का प्रयोग करेंगे, इन द वेक ऑफ COVID-19 पैंडेमिक, क्लियर हुआ यहाँ तक? दौरान आर्थिक मंदी का निर्णायक तेजी से जवाब देने में सक्षम थी, तो सक्षम थी वॉज एबल टू यहाँ पर लग गया, ओके। और 2022 की शुरुआत में अब और का हम लोग प्रयोग करेंगे एंड, है ना, एंड के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, 2022 की शुरुआत में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद मुद्रा स्फीति के दबाव के निर्माण के दौरान भी सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम थी। एंड एट द सेम टाइम या साइमल्टेनियसली एंड अगेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, प्रीएम्प्टिवली, ये शब्द क्यों हम लोगों ने लगाया, प्रीएम्प्टिवली अग्र सक्रिय रूप से के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक एडवर्ब फॉर्म, रूप से जहाँ पर भी देखिए तो समझिए कि वह एक एडवर्ब है, ओके। प्रीएम्प्टिवली ज्यूरिंग द बिल्ड अप ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आफ्टर द वॉर बिगैन इन यूक्रेन, कब हुआ, इन अर्ली 2022, ये हो गया इसका अनुवाद। अब अनुवाद कर लेने के बाद अब लास्ट एक सेंटेंस बचा हुआ, हम लोगों का भी टाइम काफ़ी रनिंग आउट हो रहा है तो झट से इसका हम लोग अनुवाद करके एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, वो ज़रूरी हो जाता है। मौजूदा संतुलित समृद्धि मुद्रास्फीति गति की FIT ढांचे की सफलता का प्रमाण है, सफलता का प्रमाण है कौन, तो मौजूदा संतुलित समृद्धि मुद्रास्फीति को हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर मौजूदा के लिए हम लोग करेंटली बोलेंगे, द प्रिवेलिंग बोलेंगे, है ना, तो सीधा सीधी हम लोग द प्रिवेलिंग वेल बैलेंस्ड, संतुलित कह रहा है तो अच्छी तरह से वेल बैलेंस्ड ग्रोथ, और यहाँ समृद्धि के लिए हम लोगों ने ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया है, है ना, ग्रोथ इन्फ्लेशन और गति के लिए डायनामिक्स, ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स इज अ सफलता का प्रमाण है, इज अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ द FIT फ्रेमवर्क। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ गलती हो गया, फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो चूंकि हम लोगों के पास समय यहाँ पर कम 22 सेकेंड्स ही बचा हुआ है,
एक बार रिवीजन कर ले, अगर एग्ज़ाम में रिवीजन करने का समय नहीं मिले तो मजबूरी है कि फिर आपको तो इसे सबमिट ही करना होगा। देखिए कितना जल्दी समय गुजर रहा है, आपको दो दो इस तरह के पैसेजेस का ट्रांसलेशन करना है, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी। हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं, ठीक है, यहाँ पर टाइम्स अप हो गया, इसके बाद सबमिट हम लोग कर रहे हैं। सबमिट करने के बाद हम लोग क्या है कि अब 24 घंटे का इंतज़ार करेंगे कि कब इवैल्यूएशन प्राप्त होता है। इवैल्यूएशन के साथ ही साथ आपको जो जो पैसेज प्राप्त हुआ था उस पैसेज का आपको सैम्पल आंसर प्राप्त हो जाएगा, है ना। इवैल्यूएशन आपको अलग अलग स्तरों पर इवैल्यूएशन प्राप्त होंगे और साथ ही साथ आपको सैम्पल आंसर्स भी प्राप्त हो जाएगा, ताकि आप द्वितीय स्तरीय अपने आंसर का इवैल्यूएशन कर सके। इसलिए इस तरह से यदि आप तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी परीक्षा में किसी भी तरह की कोई कमी रहने वाली है। आशा करते हैं कि यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा आप लोगों के लिए। आपको शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए। थैंक यू।